प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कर्नाटका के हासन में, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कई महिला संगठनों ने गुरुवार को सांसद प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कर्नाटक के हासन में प्रदर्शन किया। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे जेडीएस के निलंबित सांसद ने म्यूनिक से शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा सोचा समझा जा रहा है कि वो अपने आप को एसआईटी के सामने प्रस्तुत करेंगे। वहीं कर्नाटक सरकार ने बुधवार को कहा था कि रेवन्ना को हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 21 तारीख को, इस महीने की 21 तारीख को हम लोग के पास वो रिक्वेस्ट आया था कर्नाटक सरकार से। 23 तारीख को हम लोगों ने शोकॉस नोटिस, जो हमारा प्रावधान है, विधिवत जो प्रावधान है इंडियन पासपोर्ट एक्ट के तहत, हम लोगों ने शोकॉस नोटिस जारी किया उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम पे। उनको दिया गया कि क्या बताइए कि किस कि आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्यों नहीं कैंसिल हो सकता है। उसके लिए 10 दिन की अवधि है, 10 दिन के अंदर उनको जवाब देना है। 23 तारीख को हम लोगों ने ये शोकॉस नोटिस जारी किया था। हम लोग उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। जवाब मिल जाएगा, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई आगे करेंगे इस पे। मेरे सहयोगी निहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, प्रज्वल रेवन्ना, कई सारे टिकट सोशल मीडिया पर वायरल थे कि वो आने वाले हैं, इस फ्लाइट से आएंगे। अभी तक उनके आने की क्या चर्चा हुई है, और साथ ही साथ उनकी एंटीसिपेटरी बेल पे सुनवाई कल होगी, लेकिन अगर वो आज पहुंचते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा कर्नाटक सरकार कह रही है। देखिए, इसके अंदर पासपोर्ट अधिकारी की जो बात आ रही थी सामने, वो बिल्कुल साफ है कि अगर 10 दिनों का शोकॉज नोटिस के बाद उसकी अवधि होती है, अगर इसमें उन्होंने जवाब नहीं दिया तो विदेश मंत्रालय का अपनी कार्रवाई कर सकता है। जहां तक सवाल प्रज्वल रेवन्ना के बेंगलुरु में आने पर गिरफ्तारी का है, तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट पहले से ही जारी हो चुका है, और जो मामले 7 साल से ऊपर के सजा के होते हैं, जैसा कि इस प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के 3 मामले हैं, और ऐसे मामलों में किसी भी गिरफ्तारी वारंट की कोई जरूरत नहीं होती, पुलिस जब चाहे आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अरेस्ट वारंट यह इशू किया गया, और इसलिए किया गया था ताकि विदेश मंत्रालय से उसके पासपोर्ट के सस्पेंशन या उसको इम्पाउंड करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके। यहाँ पर काफी दबाव कर्नाटक सरकार पर भी है, और काफी हल्ला हंगामा यहाँ हो रहा है। हासन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ आज, और इससे पहले भी वहाँ प्रोटेस्ट होते रहे हैं। ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चूंकि अरेस्ट वारंट है, और वो जैसे ही एयरपोर्ट पे आएगा उसके बाद फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसकी भी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है कि एसआईटी स्थानीय पुलिस, यानी जो वहाँ की जो कर्नाटक पुलिस के जो लोग वहाँ पर हैं, जिस डिवीजन में वो आता है, वहाँ की स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। स्थानीय पुलिस सीआईएसएफ, जिसकी की सुरक्षा है एयरपोर्ट पे, उसको सूचित करेगी, और जैसे ही इमिग्रेशन से बाहर निकलेगा प्रज्वल रेवन्ना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो सीआईएसएफ के हिरासत में होगा। सीआईएसएफ उसको स्थानीय पुलिस को, और फिर स्थानीय पुलिस एसआईटी को सुपुर्द कर देगी। तो ये प्रक्रिया है। उम्मीद की जा रही है कि आज 12:30 और 1 बजे के बीच में जो फ्लाइट म्यूनिक से रवाना हुई है उसमें प्रज्वल रेवन्ना है, जो टिकट से जो जानकारी मिल रही है। और प्रज्वल रेवन्ना ने भी कहा था कि 21 तारीख को वो 10 बजे दिन में एसआईटी के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसी फ्लाइट से आ रहा है, और आज रात तकरीबन 12:30 से 1 बजे के बीच में ये फ्लाइट यहाँ बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।